How to speed up your video in Premiere Pro like this or like this. Hello guys, welcome back to Premiere Pro. आज के वीडियो में बात करेंगे कि आप Premiere Pro में अपनी वीडियो को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, लाइक उसकी आप स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. स्पीड अप करने के लिए टू सिंपल स्टेप्स हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स ओपन प्रीमियर. सो गाइस, आप मेरी टाइमलाइन में देख सकते हैं कि मैंने दो क्लिप इंपोर्ट कर रखी हैं. फर्स्ट क्लिप पे हम अपना फर्स्ट मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं. तो फर्स्ट मेथड है सिंपली आपको अपनी क्लिप सेलेक्ट करनी है एंड देन राइट क्लिक एंड देन चूज स्पीड एंड ड्यूरेशन. जैसे आपका स्पीड एंड ड्यूरेशन विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको दो चीज़ दिखेंगे, स्पीड एंड ड्यूरेशन. आप यहाँ पे सिंपली स्पीड दे सकते हैं, लाइक आप 100 है, आप 200 कर सकते हैं. तो जैसे आप 200 करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं हमारी जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो कम हो रही है. अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपनी वीडियो को फिनिश करना है, तो आप नीचे अपनी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं. लाइक मैं दे देता हूँ, मुझे 5 सेकंड तक मुझे अपनी वीडियो प्ले करनी है, तो यहाँ पर मैं 5 सेकंड एंटर कर दूंगा एंड देन आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुकी है जिस हिसाब से हमने ड्यूरेशन सेट की हुई है. तो सिंपली आपको ओके करना है. अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं तो अभी हम रिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली आपको अभी ओके करना है. जैसे आप ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो क्लिप है वो स्पीड अप हो चुकी है, आप प्ले करके देख सकते हैं. बूम. तो अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड मेथड की, कि सेकंड मेथड से आप अपनी क्लिप को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं या फिर स्पीड स्लो कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको अपना टूल सेलेक्ट करना है. टूल है रेट स्ट्रेच टूल, जो कि आपको थर्ड सेक्शन में मिलेगा, स्ट्रेच सेक्शन में. एंड देन आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, आर. लाइक मैं आर क्लिक कर लेता हूँ. आप जैसे ही अपने क्लिप के एंड में जाएंगे तो आपको एरो शो होगा जो कि इनसाइड एंड आउटसाइड है, ब्लैक है. मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ. जैसे आप इसे अंदर की तरफ पुल करेंगे तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी. लाइक मैं इसे अंदर की तरफ पुल करता हूँ एंड देन आप देख सकते हैं हमारी ड्यूरेशन कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है. जैसे आप रिलीज़ करेंगे अपना माउस, देन हमारी जो क्लिप की स्पीड है वो इंक्रीज हो चुकी है. मैं आपको पहले आफ्टर दिखा देता हूँ एंड देन मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारी नॉर्मल स्पीड क्या थी वीडियो की. हमारी जो क्लिप है वो स्पीड अप हो चुकी है. क्लिप को स्लो करने के लिए भी वही सेम मेथड है. आपको सिंपली आउटसाइड पुल करना है अपने माउस को, लाइक जो एरो है उसे आपको आउटसाइड पुल करना है. जैसे आप आउटसाइड पुल करेंगे तो आपके नीचे ड्यूरेशन आ जाएगी कि कितनी इंक्रीज हो रही है ड्यूरेशन. जैसे यहाँ पर रिलीज करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो क्लिप है वो स्लो हो चुकी है. सो गाइस, ये थे दो मेथड अपनी क्लिप को स्पीड अप करने के लिए या फिर स्लो डाउन करने के लिए. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो गाइस, बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो अपलोड होने वाली है हमारे चैनल पे, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि ग्रीन स्क्रीन वर्सेस ब्लू स्क्रीन के बारे में, कि हम ग्रीन स्क्रीन क्यों यूज़ करते हैं एंड उसका वर्क क्या होता है कंपोजिट में एंड वो कैसे वर्क करती है. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.